सिंगरौली में वन कर्मचारियों की मिली भगत के चलते पेड़ों की कटाई कर जंगल को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है। वन कर्मचारी ठेकेदारों से मिली भगत कर लकड़ी बेचने का कारोबार कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर सिंगरौली में वृक्षारोपण की कवायद चल रही है, लेकिन जियावन वन परिक्षेत्र में पदस्थ वन विभाग के चौकीदार मोदी पटेल, मोतीलाल पटेल और मुंशी उमेश रावत की मिली भगत के चलते पेड़ों की कटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की निष्क्रियता के चलते 250 से ज्यादा बेशकीमती सागौन के पेड़ व अन्य 10,000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों को काट कर बेच दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में वन मंडल अधिकारी विजय सिंह ने जांच कराने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सभी ग्रामवासी दिघौली प्लांटेशन को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए, लेकिन इसमें किसी प्रकार से माने कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि रेंजरी में जा कर के हम लोग शिकायत किए, हर जगह शिकायत किए, सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर के, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोगों को ये है कि हम लोग भी सभी मिल करके और यहाँ दिघौली में काश्त करेंगे और शासन हम लोगों को भी जमीन देने का माने वो करे, हक दे और रहने के लिए, घर बनाने के लिए और खेती करने के लिए भी हम लोगों को जो आश्वासन के हिसाब में हो वो मिले। ये जो शिकायत है मेरे पास भी पहले भी आ चुकी है, ये बूढ़ाडाल गांव में है और ये शिकायत आज से नहीं है, ये शिकायत तब तकरीबन 7-8 बार मेरे पास आ चुकी है और कई बार हमारा पूरा स्टाफ किया है, पूरा उन लोगों के खिलाफ जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की गई। बेसिकली ये दो गुटों का विवाद है और दो गुट है एक जगह पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, तो एक अगर अतिक्रमण एक गुट हावी होता है तो दूसरा गुट उसके खिलाफ कंप्लेन करने लगता है या फिर वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कंप्लेन करने लगता है। तो ये ऑलरेडी हम जांच कर चुके हैं और ये मामला थाने तक भी पहुंचा है, तो इस पे पुनः इन पे अगर इनके द्वारा अगर कुछ गलत काम फर्दर किया जा रहा है तो पुनः इन पे कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।